नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बुलिश तासुकी लाइन के विषय में विस्तार से बताऊंगा। बुलिश तासुकी लाइन कैंडलस्टिक का ही एक पैटर्न है। बुलिश तासुकी लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम तीन शब्दों से मिलकर बना है, बुलिश, तासुकी और लाइन। बुलिश शब्द का मतलब तो आप सभी जानते ही हैं, बुलिश मतलब की तेजी, और तासुकी एक जापानी शब्द है जिसका मतलब होता है बेल्ट या कमरबंद, और लाइन शब्द का मतलब होता है लकीर। बुलिश तासुकी लाइन का नाम जापान के लोगों ने एक ऐसे कमरबंद के ऊपर रखा है जिसके दो सिरे कमरबंद बांधने के बाद नीचे लटकते हो, जिस प्रकार इस चित्र में कमरबंद के दो सिरे थोड़े ऊपर और नीचे लटके हैं, उसी प्रकार इस कैंडल स्टिक पैटर्न में दोनों कैंडल ऊपर नीचे होती हैं। बुलिश तासुकी लाइन बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है, या कहें कि यह तेजी को प्रदर्शित करने वाला कैंडल स्टिक पैटर्न है। इसका मतलब यह है कि अब वस्तु में मंदी का समय समाप्त हो गया है और अब तेजी की शुरुआत होने वाली है। बुलिश तासुकी लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न दो कैंडल से मिलकर बनता है, आप इसे वीडियो में देख सकते हैं। बुलिश तासुकी लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न में पहली कैंडल लॉन्ग बेरिश कैंडल स्टिक होती है, या कहें कि यह लंबी मंदी की कैंडल होती है, यह लाल रंग की होती है। दूसरी कैंडल लॉन्ग बुलिश कैंडल स्टिक होती है, या कहें कि यह लंबी तेजी की कैंडल होती है, यह हरे रंग की होती है। बुलिश तासुकी लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न हमेशा चार्ट में लंबी गिरावट के बाद बनता है, या कहें कि यह चार्ट के बॉटम पर बनता है। इस कैंडल स्टिक पैटर्न के बनने के बाद मंदी की संभावना खत्म हो जाती है। कन्फर्मेशन मिलने के बाद खरीदी करने से फायदा जरूर होगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि बुलिश तासुकी लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे बनता है और इसके बनने में किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। बुलिश तासुकी लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न में जो पहली कैंडल होती है वह लॉन्ग बेरिश कैंडल स्टिक होना चाहिए, या कहें कि लंबी मंदी की कैंडल होना चाहिए। इसके बाद जो दूसरी कैंडल है वह अच्छी तेजी के साथ खुलना चाहिए, या कहें कि गैप अप ओपन होना चाहिए। इसके बाद जब यह कैंडल क्लोज हो उस समय यह कैंडल पहली कैंडल के हाई प्राइस के ऊपर जाकर बंद होना चाहिए, यह बहुत जरूरी है। यह दूसरी कैंडल लॉन्ग बुलिश कैंडल स्टिक होना चाहिए, या कहें कि लंबी तेजी की कैंडल होना चाहिए। यह दूसरी कैंडल पहली कैंडल का लो नहीं तोड़ना चाहिए। बुलिश तासुकी लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न में सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखने वाली बात यह है कि दूसरी कैंडल पहली कैंडल के ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस के बीच में कहीं भी खुल सकती है। बुलिश तासुकी लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न में वॉल्यूम का भी बहुत अधिक महत्व होता है। बुलिश तासुकी लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न में जो पहली कैंडल का वॉल्यूम होता है उससे अधिक वॉल्यूम दूसरी कैंडल में होना चाहिए, या कहें कि बुलिश तासुकी लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न में दोनों कैंडल का वॉल्यूम बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए। इसके साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि बुलिश तासुकी लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न में जो पहली कैंडल है वह बेरिश मारुबोजु कैंडल स्टिक और दूसरी कैंडल बुलिश मारुबोजु कैंडल स्टिक भी हो सकती है। मारुबोजु कैंडल स्टिक के विषय में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर यह वीडियो देख सकते हैं। बुलिश तासुकी लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न आपको चार्ट में
चार प्रकार से दिखाई दे सकता है। यह चारों प्रकार आप वीडियो में देख सकते हैं। यह चारों एक ही प्रकार से अपना काम करते हैं। बुलिश तासुकी लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न आपको इंट्राडे चार्ट, डेली चार्ट, वीकली चार्ट और मंथली चार्ट में भी दिखाई दे सकता है। यह कैंडलस्टिक पैटर्न इन सभी चार्ट में बहुत अच्छी तरह से अपना काम करता है, लेकिन यह कैंडलस्टिक पैटर्न डेली चार्ट में बहुत बार दिखाई देता है और यह कैंडलस्टिक पैटर्न डेली चार्ट में बहुत अच्छी तरह से काम करता है। यह कैंडलस्टिक पैटर्न डेली चार्ट के लिए सबसे बेस्ट पैटर्न की लिस्ट में से एक है। जिस दिन यह कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट में बनता है उसके अगले दिन कई बार भाव अच्छी तेजी के साथ या कहें कि गैप अप ओपन होते हैं। जब ऐसा हो तो यह हमारे लिए खरीदी करने का पूर्ण रूप से कंफर्मेशन हो जाता है। इस कैंडल स्टिक पैटर्न के बनने के बाद बाजार में बायर की पकड़ मजबूत हो जाती है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आप इसे 5 मिनट, 15 मिनट और हावरली चार्ट की टाइम फ्रेम में देखिए तो आप इससे अच्छी तरह से मुनाफा कमा सकते हैं। और अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो आप इसे डेली चार्ट और वीकली चार्ट की टाइम फ्रेम में देखिए तो आप इससे ज्यादा अच्छी तरह से मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि बुलिश तासुकी लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे बनता है और इसके बनने से बाजार में क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि बुलिश तासुकी लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे काम करता है। मान लीजिए कि कल चार्ट में बुलिश तासुकी लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न तैयार हो गया था और आज की जो नई कैंडल है वह अच्छी तेजी के साथ खुले या कहें कि गैप अप ओपन हो तो आपको बाजार में खरीदी करना है। या फिर बुलिश तासुकी लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न की जो दूसरी कैंडल है, नई कैंडल का भाव जब तक उसके हाई के ऊपर जाकर बंद नहीं हो जाता तब तक आपको बाजार में खरीदी नहीं करना है। बुलिश तासुकी लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न में नई कैंडल का भाव बुलिश तासुकी लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न की दूसरी कैंडल के हाई के ऊपर जाकर बंद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह हमारे लिए खरीदी करने का पूर्ण रूप से कंफर्मेशन हो जाता है। जब भाव बुलिश तासुकी लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न की दूसरी कैंडल के हाई के ऊपर जाकर बंद हो जाए तो आपको बाजार में खरीदी करना है और खरीदी करने के तुरंत बाद बुलिश तासुकी लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न की जो पहली कैंडल है उसके लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। बुलिश तासुकी लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न में कुछ बातें हैं जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नंबर एक, बुलिश तासुकी लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न में पहली कैंडल बेरिश मारुबोजु कैंडल स्टिक और दूसरी कैंडल बुलिश मारुबोजु कैंडल स्टिक भी हो सकती है। नंबर दो, दूसरी कैंडल पहली कैंडल के ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस के बीच में कहीं भी खुल सकती है। नंबर तीन, दूसरी कैंडल पहली कैंडल का लो नहीं तोड़ना चाहिए। नंबर चार, दूसरी कैंडल पहली कैंडल के हाई के ऊपर जाकर बंद होना चाहिए। तो चलिए अब बुलिश तासुकी लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न को हम चार्ट में समझते हैं। आपको चार्ट में लंबी मंदी के बाद बुलिश तासुकी लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा होगा और इसका वॉल्यूम भी बढ़ते हुए क्रम में है। तो अब आपको इसमें खरीदी करने के लिए यह देखना है कि बुलिश तासुकी लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न के बाद जो नई कैंडल है वह अच्छी तेजी के साथ खुले
या कहें कि गैप अप ओपन हो तो आपको बाजार में खरीदी करना है। तो अब आप इस चार्ट में देखिए, इस चार्ट में बुलिश तासू की लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न के बाद नई कैंडल गैप अप ओपन हुई है, तो आपको इसमें खरीदी करना है। या फिर आपको इसमें खरीदी करने के लिए यह देखना है कि बुलिश तासू की लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न के बाद जो भी नई कैंडल बुलिश तासू की लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न की दूसरी कैंडल के हाई के ऊपर जाकर बंद हो जाए तो आपको उसमें खरीदी करना है। तो अब आप इस चार्ट में देखिए, इस चार्ट में बुलिश तासू की लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न के बाद पहले नंबर की कैंडल ही बुलिश तासू की लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न की दूसरी कैंडल के हाई के ऊपर जाकर बंद हो रही है, तो आपको इसमें खरीदी करना है। और खरीदी करने के तुरंत बाद बुलिश तासू की लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न की जो पहली कैंडल है उसके लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद प्रॉफिट बुकिंग के लिए आपको यह देखना है कि जब तक चार्ट में कोई ऐसा सिग्नल न बन जाए जो कि बाजार का ट्रेंड बदल सकता हो, तब तक आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना है। जब आपको कोई ऐसा सिग्नल दिख जाए जो कि बाजार का ट्रेंड बदल सकता है तो आपको तुरंत प्रॉफिट बुक करना है। तो दोस्तों, आज आपने बुलिश तासू की लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न के विषय में विस्तार से सीखा। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। गुड बाय, धन्यवाद।